नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है हार्मिटियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हमने, और आज के ही इस लेक्चर के अंदर हम हार्मिटियन ऑपरेटर की जो थ्योरम होती है, जो थ्योरम है हमारी, वो है आपकी हार्मिटियन ऑपरेटर है वे रियल आइगन वैल्यू और वो ऑर्थोगोनली होता है। मतलब ये दो थ्योरम है हमारी मेन, जो दो थ्योरम है हमारी, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछी भी गई हैं, जिसको हम आज बारी बारी से यहाँ पर ड्राइव करेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम ये हार्मिटियन जो है वो इसकी आइगन वैल्यू जो होती है वो हमेशा रियल होती है। तो सबसे पहले आपको हार्मिटियन ऑपरेटर की मैथमेटिकल कंडीशन हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वो ये होती है कि इंटीग्रल ऑफ ए ऑपरेटर अप्लाइड ऑन ए वेव फंक्शन, उसका कंजुगेट जो होता है, और दूसरा ऑपरेट जो है वेव फंक्शन है वो ऐसा कैसा रहेगा, डेल्टा भी, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमेशा आपकी साई, उसका स्टार और आपका ई और साई डेल्टा भी। ये आपके हार्मिटियन ऑपरेटर की मैथमेटिकल शर्त है आपकी, कि इस शर्त की अनुपालना जो करेगा वही हार्मिटियन ऑपरेटर होगा, वही हार्मिटियन होगा, बाकी कोई भी हार्मिटियन ऑपरेटर नहीं होगा, हार्मिटियन वो नहीं होगा। तो और एक चीज हमें और ध्यान रखनी, हमने इससे जस्ट एक पहले एक लेक्चर पढ़ा था हमने नॉर्मलाइजेशन इन ऑर्थो की, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी का एक हमने लेक्चर पढ़ा था हमने। उस लेक्चर में भी हमने दो कंडीशन के बारे में स्टडी किया, दोनों कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कंडीशन आपकी क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर वेव फंक्शन जो है सिमिलर वेव फंक्शन है, अगर वो सिमिलर वेव फंक्शन है अगर, तो वो क्या होंगे, वो वन के बराबर होंगे। ये थी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन थी आपकी, एक्जेक्ट आपकी, और एक थी आपकी ऑर्थोगोनल कंडीशन, क्या थी वो आपकी ये थी आपकी साई एन और ये आपका साई एम डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। ये तो थी आपकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, मैं लिख देता हूं यहां पर नॉर्मलाइजेशन, और ये है आपकी ऑर्थोगोनल। तो ये दो कंडीशन है ये हमें यहाँ पर रिमेंबर रखनी है। अब हमारा एम क्या है, हमारा हमें थ्योरी को सॉल्व करना है कि इट हैव ए रियल आइगन वैल्यू। तो अज्यूम करते हैं हम कि कोई भी एक ऑपरेटर ए है जिससे जिसको अप्लाई किया गया किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली इस प्रकार कि ए ऑपरेटर ए इज अप्लाइड ऑन ए एक वेव फंक्शन साई पे अप्लाई किया गया है, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आती है, ए और आपका साई। यहाँ पर जो देखो आपकी इस ऑपरेटर के अप्लाई करने पर यहाँ पर वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, बस एक ए एक वैल्यू आई है, जो ए क्या आपकी वो आइगन वैल्यू है। ए आपकी क्या है, ए आपका क्या है, आपका आइगन वैल्यू है। और ये जो होता है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमेशा, ठीक है आपका, जिसे कई बार हम उसे स्टार से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं उसको। इस इक्वेशन को हम हैं वो इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे। तो फर्स्टली देखो वहां पर ए साई को मैं यहाँ पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन आपकी ए साई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी ए और साई होगा, यानी ए स्मॉल और आपका साई, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके ऊपर स्टार। ये स्टार जो आपका है वो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, जिसका डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ भी चुके हैं, फिर भी मैं आपको इसका अंडरस्टैंड आगे मैं आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है आपको। और यहाँ पर आएगा आपका साई और आपका आएगा डेल्टा वी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फिर अगेन इंटीग्रेशन होगा आपका, और यहाँ पर साई स्टार हूबहू रह जाएगा आपका, और ये आपका ए और साई के जगह कह सकता हूँ ए और आपका ये स्मॉल ए और साई, क्लियर है, ये डेल्टा वी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको देखिए यहाँ पर इन दोनों को मैं खोल देता हूँ, ओपन करता हूँ अगर मैं, तो इंटीग्रेशन ए आपका स्टार आ जाएगा आपका, ये आपका साई स्टार आ जाएगा आपका, ये आपका साई और डेल्टा वी, और इंटीग्रेशन आपका साई स्टार, और ये ए जो है आपका वो इन फ्रंट होगा, इनके आगे आ जाएगा आपका, यहाँ पर ए आ जाएगा जिस पे कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ है, और आपका ये साई और ये आपका डेल्टा वी, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इधर ले आता हूँ, ठीक है, सिमिलर देखिए आप इसको, इंटीग्रेट ए स्टार साई स्टार साई डेल्टा वी माइनस इंटीग्रेशन ए
साई स्टार और ये साई और डेल्टा वी बराबर आ जाएगा, जो कि आपका जीरो। क्लियर होगा आपको। और आप देखिए इन दोनों इक्वेशन, देखिए इंटीग्रेशन यहां भी है, इंटीग्रेशन यहां पर भी है, साई स्टार साई, साई स्टार साई दोनों यहां पर है, और डेल्टा भी यहां पर, डेल्टा भी यहां पर भी है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। हम कॉमन क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे इंटीग्रेशन, दोनों में से कॉमन लिया मैंने, साई स्टार और साई दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, साई स्टार और साई यहां पर भी और यहां भी और डेल्टा भी, ये कंटेंट मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा केवल ए स्टार, यहां बचेगा केवल ए स्टार बचेगा, और यहां माइनस का सिंबल, और यहां क्या बचेगा केवल ए बचेगा। तो केवल आपका एग्जैक्ट है बराबर आपका जीरो हुआ, एग्जैक्ट हुआ। अब देखिए इस इक्वेशन को आप कैरफुली देखिए, इस इक्वेशन में दो शर्त हो सकती है कि या तो ये कंटेंट पूरा किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, क्योंकि गुणा में है ना, तो ये इक्वेशन बराबर कब होगी, या तो ये जीरो हो या फिर ये कंटेंट जीरो, दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। लेकिन आप एग्जैक्टली आप इसको यहां देखिए कि इंटीग्रेशन साई स्टार साई और डेल्टा भी, देखिए एग्जैक्ट आपका इंटीग्रेशन साई स्टार साई डेल्टा भी, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है, मतलब उसका इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, यानी कि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू तो क्या है, वन के बराबर है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, वन के बराबर है। तो ऑब्वियस क्या हुआ, ये कंटेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, एग्जैक्ट जीरो होगा। और अब मैं क्या करता हूं, उसको यू लिख सकता हूं इसको मैं, ए स्टार इक्वल टू ए। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये ए है वो एक रियल वैल्यू है, एग्जैक्टली हमने इक्वेशन तो निकाल ली, लेकिन हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ए एग्जैक्टली रियल वैल्यू है। लेट अज्यूम करते हैं कि ए जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया ए की वैल्यू में ले लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, आई वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया रियल नहीं है, यहां मेरे मन रियल वैल्यू होती है, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए, क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगी कि आई का स्टार इक्वल टू आई मिलेगा मुझे, एग्जैक्ट मिलेगा। और इसका सॉल्यूशन आप सबको पता ही है कि इसके ऊपर जब स्टार अप्लाई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आई होगा इक्वल टू आई होगा, जो कि ये इक्वेशन वेरीफाई नहीं हो रही है, मतलब कि माइनस आयोटा कभी भी प्लस आयोटा के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आई जो ए है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। अब हम अप्लाई करते हैं किसी रियल नंबर के ऊपर, मान लिए ए की वैल्यू क्या है आपकी, टू है आपकी, एग्जैक्ट है आपकी। तो मैंने क्या किया, सिमिलरली यहाँ एक को टू रखा, टू के ऊपर मैंने स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगाया मैंने यहाँ पर, और बराबर किया मैंने यहाँ पर टू, और किसी भी रियल नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का कोई असर नहीं होता है, यानी कि वो उसकी वैल्यू को माइनस नहीं करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू इक्वल टू टू, और ये इक्वेशन एग्जैक्टली वेरीफाई हो रही है। क्लियर हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ए वैल्यू जो है आपकी वो क्या है, वो रियल नंबर है, और ए क्या है आपका, ए आपकी आइगन वैल्यू है, क्या है आपकी आइगन वैल्यू है, भले वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, भले वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हार्मिटियन ऑपरेटर के केस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी, यानी कि इन जनरल केस वो क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, लेकिन इन हार्मिटियन ऑपरेटर के केस में वो क्या होगी, वो एक रियल वैल्यू, जो हमने यहां पर प्रूफ किया। तो हमने एग्जैक्टली क्या प्रूफ किया कि हार्मिटियन ऑपरेटर हैव ए रियल आइगन वैल्यू। और नेक्स्ट टर्म है ये थ्योरम, हम नेक्स्ट टर्म प्रूफ करेंगे। तो हमारी जो दूसरी जो थ्योरम है वो क्या है कि आइगन फंक्शन क्रॉसपोंडिंग टू टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, देखो इस वर्ड को अंडरस्टैंड करना, टू डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ ए हार्मिटियन ऑपरेटर, यानी कि कोई भी एक वेव फंक्शन है टू डिफरेंट आइगन वैल्यू उसकी होनी चाहिए। लेट अज्यूम कीजिए यहां मैंने ए ऑपरेटर किसी एक वेव फंक्शन पे अप्लाई किया, ये वेव फंक्शन जो है वो साई एन, और यहां पर क्या हो जाएगा, साई एन, ये वेव फंक्शन हो जाएगा, और इसकी आइगन वैल्यू भी क्या होगी, ए एन हो जाएगी। क्लियर हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए, टू डिफरेंट आइगन वैल्यू चाहिए ना हमें, तो यानी कि मैंने किस ऑपरेटर को अगेन अप्लाई किया, मैंने किस पर, साई एम के ऊपर अप्लाई किया, और मुझे वैल्यू मिली ए एम और ये साई एम। ये मैंने ए के ऑपरेटर को दो वेव फंक्शन पे अप्लाई किया मैंने, और हार्मिटियन ऑपरेटर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, याद रखना ऑर्थोगोनल का जो मतलब होता है ना, वो एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों फंक्शन साई एन और साई एम अगर ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या है कि साई एम पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों इंडिपेंडेंट है। सिमिलर मैं कहूंगा कि ये फंक्शन मेरा हैंड जो है हॉरिजॉन्टली जो है, अगर ये एक वेव फंक्शन है और ये मेरा हैंड जो वर्टिकल है ये एक वेव फंक्शन है,
और वो दोनों ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या है, ये वेव फंक्शन इस वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं अपने के अंदर। और जहां कहीं भी इक्वेशन ऑर्थोगोनली प्रूफ हो जाती है अगर, यानी कि ये वाली कंडीशन अगर प्रूफ हो जाती है अगर, तो क्या होगा, तो शर्त क्या होती है कि वो जो है दोनों इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है। एग्जिट हुआ। यहां पे देखिए कि टू डिफरेंट आइगन वैल्यू लेनी है हमको, इसका मतलब मैंने इसको इसके ऊपर अप्लाई किया और हमको वैल्यू क्या मिली, साई सॉरी ए एन मिली, और यहाँ ए एम मिली, और दोनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन नॉट इक्वल टू ए एम आपका, एग्जिट हुआ आपका, ए एन नॉट इक्वल टू ए एम होगा। और ये किस में प्रूव करना है हमें, हार्मिटियन ऑपरेटर के केस में प्रूव करना है हमें, है ना। तो है जैसे हम क्या करेंगे, इसी ही इंटीग्रेशन जो मैथमेटिकल इंटीग्रेशन इक्वेशन है इसी का हम यूज करेंगे और बारी बारी से हम यहाँ पर रखेंगे। बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पर पहले क्या था, एक वेव फंक्शन था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर दोनों को सिमिलर लिखा हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट वेव फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा इसको इस पर यहाँ पे साई एन करूंगा और यहाँ साई एम, यहाँ साई एन करूंगा और यहाँ साई करूंगा एम, ये इक्वेशन मेरी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी हल्की सी, ठीक है। अब देखो मैं अप्लाई करता हूँ साई ए ऑपरेटर ऑन साई एम के ऊपर, यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से होगी ए एन, ठीक है, ए एन और आपका साई एन और ये आपका स्टार लग जाएगा ऊपर, क्लियर हो। और ये साई एम का मतलब क्या होगा, यहाँ साई एम एग्जैक्ट रह जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रेशन और ये आपका साई स्टार है हूबहू रहेगा आपका एग्जैक्टली, और आपका ये क्या होगा cos तक, और जो ए साई एम है वो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्मॉल और साई एम के और डेल्टा वी के, ये एग्जिट आपकी इक्वेशन वहां पे लिखी जाएगी, एग्जिट इक्वेशन आपकी। और इस इक्वेशन को थोड़ा खोल लेता हूं, ओपन करना इक्वेशन अगर मैं, तो इंटीग्रेशन ए एन के ऊपर क्या लगेगा आपका, सिमिलर स्टार लगेगा और साई एन के ऊपर स्टार लगेगा और ये साई एम और डेल्टा वी एग्जिट हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा ये ए एम जो है वो बाहर आ जाएगा आपका एग्जैक्टली इधर, और ये साई एन और ये स्टार और ये साई एम और डेल्टा वी सिमिलर हो गया एग्जैक्टली। मैं सिमिलर उसके करूंगा इसको, मैं इधर पक्षा देखूंगा इधर लेकर के आऊंगा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इंटीग्रेशन ए एन और स्टार आपका साई एन स्टार साई एम डेल्टा वी माइनस इंटीग्रेशन ए एन और साई एन स्टार साई एम डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, ये जो मेरी इक्वेशन बनेगी। अब मैं सिमिलरली कॉमन लूंगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन है यहाँ भी इंटीग्रेशन है, यहाँ साई एन स्टार है यहाँ भी साई एन स्टार है, साई एम है यहाँ भी साई एम है, डेल्टा वी को मैं क्या करता हूँ कॉमन लेता हूँ, तो मैं कॉमन लेता हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है, साई एन स्टार साई एम डेल्टा वी, और यहां से कॉमन रूट क्या बचेगा, केवल ए एन के ऊपर स्टार ये क्वांटिटी बचेगी और माइनस आपका इधर से क्या बचेगा ए एम बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। सिमिलरली वही कंडीशन वापस आ गई कि या तो ये कंटेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए या फिर ये कंटेंट क्या होना चाहिए आपका जीरो होना चाहिए। लेकिन हमने पहली जो थ्योरम सॉल्व की थी उस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि हार्मिटियन ऑपरेटर हैव ए रियल आइगन वैल्यू, वो क्या होनी चाहिए रियल आइगन वैल्यू होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ ए एन और ए एम दोनों क्या होंगी रियल आइगन वैल्यू होगी, और ए एन और ए एम जो है ए एन में से ए एम माइनस करने पर जीरो आए, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो अगर ये क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती है ए एन स्टार माइनस ए एम नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ए एन और ए एम दोनों क्या है बराबर नहीं है, दोनों क्या है बराबर नहीं है। अगर ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो, मान लीजिए ये भी दो है और ये भी क्या है दो है, तो दो माइनस दो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, लेकिन दोनों क्वांटिटी क्या है बराबर नहीं, इसका मतलब इन दोनों का माइनस क्या नहीं हो सकता कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ ये क्वांटिटी जीरो के बराबर है, कौन सी क्वांटिटी ये वाली जो आप इधर रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ साई एन स्टार और साई एम और डेल्टा वी बराबर जीरो, यानी कि ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी जीरो के बराबर होगी। अगर ये क्वांटिटी जीरो के बराबर होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को वेरीफाई करती है, क्लियर आपको कि वो कंडीशन कौन सी वेरीफाई कर रही है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को वेरीफाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हार्मिटियन ऑपरेटर के
जो दो डिफरेंट आइगन वैल्यू वाले जो वेव फंक्शन है वो हमेशा क्या होते हैं, म्यूचुअली आपके क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। म्यूचुअली क्या होते हैं, हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा जो कि बहुत से एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। थैंक यू।